गुड आफ्टरनून एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे रिकॉर्ड नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग का शुरुआत मैं कर रहा हूँ मुंबई से। हाँ जी, देख लो मुंबई की सड़कें। ये मेट्रो का काम चल रहा है क्या भैया? हाँ सर, मेट्रो का ये काम। मुंबई में जब भी आओ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और मेट्रो का काम होता हुआ जरूर दिखेगा आपको। फिलहाल मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ तो ताजमहल पैलेस होटल। भाई मतलब ये वाले होटल को कवर करना लाइक मेरा बहुत दिनों से प्लान था। वैसे तो मैं मुंबई जितने बार भी आता हूँ मैक्सिमम टाइम पापा इधर रहते हैं, लेकिन इस बार उनको कुछ फैमिली रीजन की वजह से गांव जाना था, वो ज्वाइन नहीं कर पाया। लेकिन कोई नहीं, प्लान करेंगे कोई बढ़िया वाला ट्रिप एक साथ। ये ताजमहल पैलेस होटल में ना मम्मी को भी आने का बहुत मन था, लेकिन वही है मम्मी का स्कूल का छुट्टी का लेकर थोड़ा दिक्कत हो रहा था। मम्मी बोली कोई बात नहीं, तुम तो जाते ही रहते हो, अभी चले जाओ, मेरा जब होगा तो मैं तुमको बता दूंगी, फिर जाके स्टे कर लेंगे। मैं बोला चलो ये भी ठीक है, थोड़ी ना ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम जा रहे हैं, आना जाना तो लगा ही रहेगा। खैर, और अभी देख लो सीलिंग ब्रिज। तो अभी हम लोग बैंड्रा में हैं और जाएंगे वो सीलिंग ब्रिज होते हुए वर्ली। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वीडियो को लाइक कर दिया करो, अगर वीडियो अच्छा लगता है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस फैमिली का हिस्सा बन जाओ। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, क्योंकि क्या होता है ना वीडियोस वगैरह एक दो दिन आगे पीछे चलता है, लेकिन लाइव अपडेट्स सब मैं इंस्टाग्राम में देते रहता हूँ। मेक श्योर कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। और रहा बात ये जो ताजमहल पैलेस होटल है, ये मैंने कितने में बुक किया, आप कैसे बुक कर सकते हो, कौन सा रूम मैंने लिया, क्या सब कुछ मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी आप लोग एक काम करो, ये ब्रिज देखो होटल के बाद होटल में पहुँच के करते हैं। और ये देख लो मुंबई का स्काईलाइन, ये तो अभी ऐसा लग रहा है रात में तो और भी खूबसूरत लगता है। ये जो आपको दिख रहा है ना सामने में बंगलो, ये नीता अंबानी का है। भाई साहब, ये घर है या होटल है? एक तो इनका है अंटीला बोलकर एक है, ये तो गिफ्ट मिला था सर। और अभी देख लो मेरे सामने में क्या दिख रहा है, कमेंट करके बताओ इसका नेम क्या है। अगर इस बिल्डिंग को आप लोग नहीं जानते हो तो भाई क्या ही जानते हो, अच्छे से देख लो। हाँ जी, तो देख लो अभी मैं पहुंच चुका हूँ ताजमहल पैलेस होटल। और अभी सीन क्या है ना, अगर मेरा प्राइवेट कार होता तो भैया मुझे अंदर तक छोड़ देते, लेकिन ये तो मैंने उबर किया है, टैक्सी किया है, मुझे बाहर ही उतरना पड़ेगा। ये सामने में ही देख लो गेटवे ऑफ इंडिया, होप कि कुछ फ्रंट साइड वाला रूम मिल गया है मुझे। रिक्वेस्ट मैंने डाल रखा है, देखो क्या होता है। ये ताज में फर्स्ट टाइम मेरा एंट्री हो रहा है। तो ये देख लो भाई, मुझे की मिल चुका है द ताजमहल पैलेस का, ये मेरा की कार्ड है। और मुझे हायर फ्लोर में रूम मिला है, मैंने रिक्वेस्ट किया था फोर्थ फ्लोर, भाई पुराने जमाने का ही लिफ्ट है एकदम। यहाँ पे देख लो लाइक बुक्स वगैरह रखा हुआ है। भाई ये देख लो, बस टीवी में ही मैंने देखा था ये सब चीज, ये सब कुछ मैंने बस टीवी में ही देखा था। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये मेरा ड्रीम था ताजमहल पैलेस में स्टे करने का, फाइनली ड्रीम पूरा हुआ। आज स्टे अभी तक किया नहीं है मैंने, जा रहा हूँ मैं अपने रूम में 4192453 जो रूम है इस वाले साइड में। भाई साहब क्या खूबसूरत लग रहा है। अभी मैं सबसे पहले मम्मी को वीडियो कॉल करने वाला हूँ, ये सब चीज दिखाने वाला हूँ मम्मी को। मेरा वाला जो रूम है वो ये है 453। अभी मैं इनके रूम में तो आ गया हूँ और यहाँ पे ऐसा कुछ की डालने का जगह नहीं दिख रहा है मुझे, तो एक काम करते हैं मास्टर पे क्लिक कर देते हैं। ओ भाई एकदम विंटेज टाइप का रूम है। फैन देख लो आप लोग, फैन देखकर आइडिया लगा लो, एकदम वो विंटेज वाला फैन। और भी बहुत कुछ होगा तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं भी थोड़ा चेक कर लेता हूँ क्या चीज है, कैसे क्या क्या काम करते हैं। सारे पैसे इस नजारे के हैं देख लो। हाँ जी, तो अभी मैं रूम में तो आ गया हूँ। और रूम का टूर देने से पहले मैं बता दूं, ये जो रूम है ना एकदम सिंपल रूम है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये क्या ही अलग है एकदम। सारे पैसे है ना ये जो इतना खर्च करके मैंने ये जो होटल बुक किया है वो इसी के है। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारे ताज होटल का रिव्यू वीडियो देखा होगा, लेकिन ये जो ताज होटल है ना ये अपने में ही बहुत यूनिक है। ये आप बोल सकते हो एक तरह का हेरिटेज होटल है। ये होटल कोई नॉर्मल 5-स्टार होटल नहीं है, ये एक तरह का अपने में ही एकदम यूनिक सा होटल है। आप लोगों को भी पता होगा कि यहाँ पे 26/11 को क्या हुआ था, वो चीज कभी कोई बोल नहीं सकता, लेकिन उसके बाद भी होटल को कंटिन्यू रखना। और अभी भी होटल एक पूरा फुल है भाई, मतलब बुकिंग नहीं मिल रहा था, सोच लो ये किस टाइप का होटल है। बाकी इसका टूर वगैरह सब कुछ मैं दूंगा। ये जो मैंने रूम लिया है ना, ये इनका लग्जरी ग्रैंड रूम सी व्यू पैलेस रूम है। और भाई यहाँ से जो आपको नजारे दिखेंगे ना, अल्टीमेट नजारे दिखेंगे। एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले आप लोगों को इसका रूम टूर दे देता हूँ, उसके बाद आपको सब कुछ दिखाऊंगा, यहाँ का नजारा और एवरीथिंग सब कुछ दिखाऊंगा मैं, बस वीडियो में बने रहो। और एक बात, लाइक जब मैं एंटर कर रहा था ना अंदर की तरफ,
वेलकम करने का तरीका था ना, लिटरली भाई आरती किया गया पहले, जैसे कि अभी सभी होटल सब में होता है, टीका लगाया गया, फिर एक वेलकम ड्रिंक भी मिला मुझे। लग रहा था कि हाँ भाई मैं द ताजमहल पैलेस होटल में आया हूँ स्टे करने के लिए। तो चलो जल्दी से इसका रूम टूर देते हैं पहले। तो ये देख लो द ताजमहल पैलेस मुंबई, ये इमरजेंसी एग्जिट प्लान है पूरा, लाइक कहाँ कहाँ क्या रूम है। ये अपना रूम है, देख लो मेरा जो रूम है ना वो 453 एकदम मिडिल में है। तो काफी कमाल का रूम मिला है मुझे, मैंने रिक्वेस्ट भी किया था, तो हाँ भाई काफी अच्छा रूम मिला मुझे। एंटर करते ही यहाँ पे पुराने जमाने टाइप का एक लैंप दिख जाएगा, और ये स्ट्रक्चर देख लो, अलग टाइप का स्ट्रक्चर है, मैं आपको दूर से भी दिखा दूंगा एक बार। यहाँ पे अपना लगेज जैकेट वगैरह रखा हुआ है, ये सब खाली है। रूम देख लो एकदम सिंपल एंड प्लेन सा रूम है, हर कुछ देख लो काफी सिंपल है। मुझे सबसे अच्छा लगा इनका देख लो फैन, वो एकदम पुराने जमाने का फैन है। बाकी देख लो ये अपना बेड, बेड के साइड में आपको दोनों साइड ही लैंप मिल जाता है, दोनों साइड रिसीवर दिया हुआ है, जिस भी साइड हो, ऐसा नहीं कि फोन आए तो आपको उधर जाना पड़े। ये नोट पैड, मैं तो कुछ नहीं बस मोइन साइड इट लिख के चला जाता हूँ। साथ में वाटर बॉटल, पहले वो हिमालयन का मिलता था, अभी वो रिफिल करने वाला बॉटल दे दिए हैं, लाइक ये जब भी खत्म होगा आप मांगोगे वो दे देंगे चेंज करके। सब कुछ का कंट्रोल आपके बेड के जस्ट पास में मिल जाता है, सेम उधर भी वही सब है, प्लग इन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है बेड के साइड में। और इसके अलावा देख लो यहाँ पे काउच बना हुआ है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री कुछ फ्रूट्स मिला है मुझे, जिसमें से एप्पल खाने वाला हूँ मैं, और उसके अलावा ये क्या चकना चकना, हाँ जी चकना ही है ये सब। तो अब बाकी यहाँ पे काउच है, फ्रूट्स है, चकना है, कमी किस बात की है, व्यू की ना, कोई बात नहीं उसकी भी कमी नहीं होगी। रूम से कुछ ऐसा व्यू दिखता है। कुछ दिन पहले मैं मुंबई आया था, मुझे अभी भी याद है, काफी लोग वहाँ पे फोटोज क्लिक कर रहे थे, मुझे भी बोला जा रहा था फोटो क्लिक करने के लिए, मैं बोला था नहीं मैं वहां से फोटो क्लिक नहीं करूंगा, मैं जब भी फोटो क्लिक करूंगा अंदर आके ही करूंगा। जस्ट उसके 3 या 4 महीने बाद ही मैं अभी अंदर में हूँ, और अंदर से ये वीडियो बना रहा हूँ, वही कहीं मैं खड़ा था वो उस वाले जगह पे, काफी लोग फोटोज ले रहे थे, अभी मैं जाके वहाँ पे फोटो लूंगा। मेरा प्लान है सुबह जल्दी अगर मैं उठ जाता हूँ वहां जाके बाहर से होटल का फोटो लूंगा, कमाल का आएगा। बाकी देख लो यहाँ पे बहुत सारा बोट वगैरह, ये वाला पार्ट आपने देखा होगा, काफी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जब अलीबाग वगैरह जाते हैं तो यहीं से शायद बोट लेते हैं क्या, ये पार्ट मैंने बहुत सारे मतलब लाइक न्यूज चैनल में या फिर लाइक जो होता है इंस्टेंट बॉलीवुड टाइप का पेज वगैरह, काफी सारे सेलिब्रिटीज को मैंने देखा है वहां से ठीक उतरते हैं वो। बाकी नीचे में आपको बहुत सारे लोग खड़े मिल जाएंगे जो होटल का या फिर गेटवे ऑफ इंडिया का फोटोज लेते हुए। रूम मुझे कमाल का मिला है भाई, देख लो रूम से कुछ ऐसा व्यू मेरा मिला हुआ, ये अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट व्यू रूम है, अगर मैं बात करूं एड्रेस स्काई व्यू के बाद का, लेकिन ये इसको मैं टॉप में रखता हूँ क्योंकि ये अपने इंडिया में है और इस वाले होटल से बहुत सारा इमोशन जुड़ा है। बाकी ये देख लो वर्किंग डेस्क, भाई क्या सही लग रहा है ये वर्किंग डेस्क, सामने में ही मिरर है, पता नहीं क्या ही काम होगा। और इधर एक बड़ा सा टीवी, होप कि इसमें यूट्यूब चलता हो। इसके अलावा यहाँ पे मिनी फ्रिज होगा, अच्छा ये मिनी फ्रिज भी खाली है, बस वो मिल्क लिक्विड मिल जाता है चाय कॉफी बनाने के लिए, ये बेकार होता है। बाकी इधर देख लो सारा तामझाम चाय कॉफी बनाने का, बट ये क्या है, पैक्ड स्पेशली फॉर द ताजमहल पैलेस, यहाँ आप अपना चाय कॉफी कुछ भी बनाओ। यहाँ पे ये क्या है, ये शायद कॉफी वगैरह बनाने के लिए या फिर पता नहीं क्या, किसी को आइडिया हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में। इस साइड में क्या है, अच्छा इस साइड में वो सारा टीवी का तामझाम है, क्या वाईफाई है क्या अलग से। बाकी इधर देख लो अगर आप शौकीन आदमी हो तो सब कुछ है यहाँ पे, टूथपिक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ये तो अपने साथ जाएगा। तो ये सारा पार्ट मैंने आप लोगों को दिखा दिया, अब टाइम है इनका वॉशरूम और इनका जो वार्डरोब एरिया है वो दिखाने का। भाई लेकिन रूम बहुत ही ज्यादा बड़ा है, स्पेशियस रूम जिसको बोलते हैं ना, और मिरर तो खैर आपको हर जगह मिल जाएगा। और ये इनका वार्डरोब, अच्छा मैं अपने विंडो को खोल भी सकता हूँ, यहाँ पे विंडो की भी मिलता है, मैं वही सोच रहा था यार विंडो खुलेगा नहीं क्या, लेकिन वहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जरूरत नहीं हो तो खोलो भी मत, क्योंकि उससे काफी सारे इंसेक्ट अंदर आ जाते हैं और ऊपर से गर्म हवा भी अंदर आ जाता है तो फिर दिक्कत होता है, ये तो निकलते ही ऑन हो जाता है, पता नहीं कुछ और ही सिस्टम होगा इसका। बाकी इधर लॉकर, अपने काम का चीज नहीं है ये। इधर स्लीपर, कमाल का वॉशरूम है, और इतना अच्छा व्यू वाला वॉशरूम आपने कभी नहीं देखा होगा, ये भाई एकदम लग रहा है राजा महाराजाओं वाला वॉशरूम है। बाकी वही टॉयलेटरीज वगैरह सब कुछ है, लोशन का बहुत ज्यादा जरूरत है मांग लेंगे एक्स्ट्रा। और ये सेविंग मिरर, बाकी इनका ये शावर एरिया देख लो भाई साहब, इससे ज्यादा कमाल का शावर एरिया आपने कभी नहीं देखा होगा। ओ भाई वॉशरूम से आपको अगर ऐसा व्यू मिलेगा तो आप क्या बताओगे, तो कुछ ऐसा वॉशरूम है इनका देख लो। मैं ये सोच रहा हूँ इनका जो टॉप क्लास का रूम सब होता होगा वो कैसा होता होगा, वो तो और भी कमाल का। बाकी यहाँ यही सब है देख लो, होप कि आप लोगों को ये रूम टूर अच्छा लगा हो, और उससे भी अच्छा लगा हो ये नजारा, और ये जो नजारा है ना है भी कमाल का। तो अभी तो भाई मतलब इतना ज्यादा थक गया है ना, मतलब कंटिन्यू ट्रैवल चल रहा है और ऊपर से रात में सोए भी नहीं थे, तो अभी ऐसा लग रहा है इतना कंफर्टेबल बेड देखकर ना नींद सा आ रहा है। तो अब मैं थोड़ी देर में आउट होने वाला हूँ, बट कुछ मैंने शॉट्स सब लिया है वो एंजॉय कर लो, फिर उसके बाद मिलते हैं जब मैं सो के उठूंगा।
अभी मुझे आ रहा है बहुत जोड़ों का नींद, लेकिन भूख भी बहुत जोड़ों का लगा है। तो जब आप चेक इन करोगे ना, आपको की तो वो देते ही है, साथ ही आपको एक ऐसा लेटर भी दे देते हैं, इसमें लिखा रहता है कि आपका ब्रेकफास्ट कहाँ पे होगा, टाइमिंग क्या होगा, आप रूम में कुछ कैसे ऑर्डर कर सकते हो, अगर आप पब्लिक एरिया में जा रहे हो तो ड्रेस कोड क्या होगा, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे देख लो, स्कैनर मिल जाएगा जिसमें इन रूम डाइनिंग, आपको सब कुछ का ऑप्शन मिल जाएगा, बस आपको स्कैन करना है। तो मैंने इनका इन रूम डाइनिंग मेन्यू स्कैन किया है, तो किसका क्या प्राइस है आप यहाँ पे थोड़ा सा देखकर आइडिया लगा लो। लाइक इन रूम डाइनिंग में जैसे हमारे वहाँ कोलकाता का जो ताज बंगाल में जैसा प्राइस है ना, मैंने देखा सिमिलर उसी टाइप का ही प्राइस है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इनका जो खाना होगा और भी ज्यादा महंगा होगा, हो सकता है क्योंकि इनका लाइक 6 से 7 रेस्टोरेंट है। ये तो मैं अभी इन रूम डाइनिंग करवा रहा हूँ, हो सकता है इनका और भी बहुत सारा रेस्टोरेंट सब है तो वो सब महंगा हो, लेकिन हाँ ये मैं देख रहा हूँ ये भी महंगा ही है। अगर आप डोसा या फिर उत्तपम लेते हो तो वो 750 का है। मैं भी जब वहाँ पे एक डोसा ऑर्डर किया था वो 650 या 700 रुपए का था। तो इसी टाइप का है, मैंने एक मसाला चाय मंगाया है 500 रुपए का मसाला चाय, और एक पिज्जा ऑर्डर किया है जो हमेशा मैं करता हूँ। उसका पता नहीं पिज्जा यहाँ पे मेन्यू में तो नहीं है, वो बोले कि ठीक है मैं आपका अच्छा वेजीज पिज्जा एक भेज देता हूँ, पता नहीं उसका क्या प्राइस होगा क्या नहीं। बाकी आप लोग देख लो, चिकन टिक्का है 1550 रुपए का, सीख कबाब है 1750 रुपए का, काठी रोल है 1450 रुपए का, भाई काठी रोल है, क्लब सैंडविच है 1250 रुपए का, बर्गर का प्राइस है 1050 रुपए। जब आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल अपना सारा डिवाइस वगैरह चार्ज कर लेते हैं, कुछ चार्ज भी नहीं है। तो ये देख लो, मैंने अपना चाय मंगवाया था, ये चाय तो आया ही हुआ है भाई, मस्त एकदम चाय देखकर बहुत बढ़िया लग रहा है, होप कि अच्छा हो। साथ में देख लो केचप वगैरह भी दिया हुआ है वहाँ पे, ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स सब कुछ है। पिज्जा पता है कहाँ है? यहाँ होगा, ऐसे नहीं दिया पिज्जा, शायद पिज्जा ठंडा हो जाए। एक काम करते हैं, पिज्जा को भी इसी में रहने देते हैं। चाय का क्वांटिटी इतना है ना, दो लोग तो आराम से पी लेंगे। ये देखो, वाह देखकर ही लग रहा है मस्त चाय होगा इनका। चलो पिज्जा भी निकाल ही लेते हैं, गर्मा गर्म पिज्जा है। तो ये आ गया अपना पिज्जा, और भाई बाहर का जो नजारा है ना वो कमाल का है। फिलहाल मैं ऐसे ही बिना किसी चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो का ऐसे ही टेस्ट करता हूँ इसको। इसके जो बेस है ना, लग रहा है कोई मैदा का रोटी है, उसके ऊपर केचप और वेजीज वगैरह दिया हुआ है, बट टेस्ट काफी अच्छा लग रहा है। ये जिस टाइप का पिज्जा है ना उसमें, हाँ जी अभी आ गए थे वो बिल लेकर, तो वही पेमेंट करना पड़ा। तो ये जो मैंने पिज्जा लिया है ना, ये कुछ वेजीज पिज्जा है इनका, 1150 रुपए इसका प्राइस है, और साथ में ये जो मैंने चाय लिया है ये 500 रुपए का चाय है। देखते हैं कैसा इनका 500 रुपए का चाय, देखकर तो बहुत बढ़िया लग रहा है, थोड़ा फीका फीका लग रहा है। वैसे ये लोग चीनी तो डालकर देते नहीं है, सेपरेट देते हैं, वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर, शुगर फ्री, हर टाइप का शुगर ये लोग देते भी हैं। ठीक ठाक सा है, उतना भी नहीं बोलूंगा कि भाई बहुत ही अच्छा है, ठीक ठाक सा है। फिलहाल तो अभी अपने चाय पीते हैं, पिज्जा खाते हैं, अभी वैसा कहीं जाने का प्लान तो हो नहीं रहा है, तो जो भी होगा वो तो मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ जी, तो अभी मैं निकल गया हूँ बाहर, और देख लो रात में ये जो ताजमहल पैलेस होटल है ना, कुछ ऐसा दिखता है। हाँ जी, तो अभी मैं उबर लेकर आ गया फिनिक्स प्लेडियम। एक्चुअली मुझे यहाँ पे आना था, एसिक्स का एक सब ब्रांड है या फिर को ब्रांड उसको बोल सकते हो, मैं नाम ही बोल गया उसका। तो ये मॉल में मैं आ गया हूँ, फिनिक्स प्लेडियम, देख लो मैं यही वाला ब्रांड ढूंढ रहा हूँ, ये एसिक्स का को ब्रांड है। फाइनली मुझे वो मिल गया ब्रांड, मुझे लेना था ये ऑनिट सुका टाइगर का शूज, वो तो मैंने ले लिया है। अदरवाइज देख लो ये कमाल के लोकेशन पे पहुंच गया यार मैं, यहाँ के बारे में तो आइडिया ही नहीं था इस जगह के बारे में। चलो भाई अपने होटल पे पहुंच चुके हैं। वैसे ये तो मेरा होटल है, और अभी मैं देख रहा था गेटवे ऑफ इंडिया का, देख लो लाइटिंग एक बार क्या मस्त लाइटिंग किया हुआ है, मेरे रूम से अभी काफी कमाल का लग रहा होगा। वो रहा मेरा शायद वहाँ पे रूम है। तो यहाँ पे देख लो, ये ताज का जो है देख रहे हो ना, ये नया प्रॉपर्टी है, ये वाला इनका सबसे पुराना वाला है। मुंबई में बहुत सारा ताज होटल है, तो अगर आप किसी टैक्सी को बोलकर आते हो ना मुझे ताज होटल जाना है, तो उनको थोड़ा बता देना आपको कोलावा वाला ताज जाना है, और इसका नाम है ताजमहल पैलेस, ये बोल दोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। और बाहर माहौल देखो भाई, बाहर देख लो कितने सारे लोग बस आ रहे हैं इस होटल को देखने के लिए और फोटोज लेने के लिए, और आप इसमें स्टे कर रहे हो, ड्रीम से कम नहीं है यार। भाई साहब देख लो, ये ताजमहल पैलेस होटल में कितने बड़े बड़े लोग आके स्टे कर चुके हैं, प्रेसिडेंट बराक ओबामा एंड मिस्टर रतन टाटा, सचिन तेंदुलकर, द ड्यूक एंड डचेस ऑफ कैम्ब्रिज, विलियम एंड कैट, अमिताभ बच्चन, भाई साहब और भी बहुत बड़े बड़े नाम है देख लो। हाँ जी, तो अभी मैं आ गया हूँ इनके पूल एरिया में,
ये देख लो यहाँ चल रहा है लाइव म्यूजिक। यहाँ पे तो मस्त बारबेक्यू वगैरह भी लग रहा है, पता नहीं किसके लिए। मस्त वहाँ पे बैठ के काफी सारे मतलब फॉरेनर बैठ कर खा पी रहे हैं। मस्त माहौल है अंदर का। ये माहौल एक बार मतलब एक्सपीरियंस करना था, कर लिया मैंने। ये वाला सेक्शन मेरे को लग रहा है ना नया तरीके से बनाया गया है। ये वाला सेक्शन मुझे नया लग रहा है, पता नहीं क्यों, शायद कंफर्म नहीं हूँ मैं। Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सभी को। और रात में आते ही कब आउट हुआ मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि भाई नींद दो दिनों से पूरा हुआ नहीं था ठीक से, इसलिए कब रात में आके लेटा मुझे खुद भी याद नहीं है। मैं सोचा था आके कुछ ऑर्डर करूंगा खाने का, कुछ नहीं किया। फिलहाल देख लो सुबह उठ के कुछ ये नजारा दिखता है। ये नजारा भाई बहुत मिस करने वाला हूँ मैं। फिलहाल अभी ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो गया, उठने में भी काफी लेट हो गया है, तो एक काम करते हैं फटाफट भागते हैं ब्रेकफास्ट करके आ जाते हैं। अभी फटाफट मैं अपना एडिटिंग लेकर बैठ गया हूँ, क्योंकि जहाँ मैं अभी इसके बाद जाने वाला हूँ ना वहाँ नेटवर्क का बहुत पंगा होने वाला है, इसलिए जो है अभी कंप्लीट करना होगा जल्दी जल्दी। हाँ तो मैं अभी हो गया हूँ नहा धोकर एकदम फ्रेश, और देख लो यहाँ से पूल एरिया कितने अच्छे तरीके से दिख रहा है। अभी लिफ्ट लेके मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ये मेरे साथ हमेशा ही होता है, कभी भी पूल में नहा नहीं पाता हूँ मैं, मतलब पूल का यूज ही नहीं कर पाता हूँ मैं। तो अभी मैं आ गया हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए इनके सी लाउंज में, और वहाँ पे देख लो द फाउंडर जमशेद जी टाटा का स्टैचू। अपना रूम तो ऊपर है। ओ भाई ऊपर क्या लग रहा है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए आया, भाई ब्रेकफास्ट के लिए वेटिंग है। मैं बता रहा हूँ ना यहाँ का सीन ऐसा है, रूम मिलना भी पॉसिबल नहीं हो पाता कभी कभी। यहाँ तो काफी लोग फोटोज ले रहे थे, मुझे भी लेना है जाके। हाँ जी तो अभी मैं आ गया हूँ ब्रेकफास्ट के लिए इनके सी लाउंज में। मुझे 10 मिनट वेट करना पड़ा फिर सीट मिल गया मुझे, और मुझे ये वाला सीट चाहिए था लेकिन अभी क्लीन नहीं हुआ है ना, इसलिए वो बोले कि आप इधर बैठ जाओ, जब वो क्लीन हो जाएगा मैं उधर आपको शिफ्ट कर दूंगी। वैसे तो वहाँ पे बुफे लगा होगा, लेकिन यहाँ पे टेबल पे आपको ये ब्रेकफास्ट सिलेक्शन में ये सारा ऑप्शन मिल जाएगा। इंटरनेशनल सिलेक्शन में बहुत कुछ है, देखते हैं अगर इधर से कुछ ऑर्डर करना होगा तो वो टेबल पे ही बैठकर आप कर सकते हो। देखते हैं उधर बुफे में क्या क्या है। यहाँ से इनका स्टार्ट होता है बुफे। सबसे पहले पाव भाजी, कचौड़ी, आलू शाक, साबुदाना खिचड़ी, उपमा, हर्ब्स, वेजिटेबल, पोटैटो वेजेस, लैम्ब और क्रम फ्राइड फिश का भी ऑप्शन है, चिकन सॉसेजेस, चिकन सुप्रीम, यहाँ पे दुनिया भर के ब्रेड्स एंड जैम का भी ऑप्शन है वहाँ पे। ये सारे इनका डेजर्ट काउंटर है। ये हनी देने का तरीका इनका काफी कमाल का लगा। ये सारे चीज है यहाँ पे देख ले, स्मोक सलमन भी है, टर्की, चिकन सलामी, हैम, ये सारे सैलड, ये फ्रूट सैलड सेक्शन है। तो देख लो जी ये होने वाला है मेरा ब्रेकफास्ट, बहुत कुछ लेकर आ गया हूँ मैं, साथ में कट फ्रूट्स वगैरह भी है, और सामने ये नजारा है। ये नजारा देखते हुए ब्रेकफास्ट करने का अलग ही मजा है। तो अपना ब्रेकफास्ट करते बता देंगे क्या चीज मुझे सबसे अच्छा लगा। हाँ जी तो अभी मैंने इनका ब्रेकफास्ट ट्राई किया। ये जो इनका फ्राइड फिश है ना भाई, एक नंबर का है। ओवरऑल जितना भी चीज मैंने इसमें लिया था ना, लैम्ब, चिकन, सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। और साथ में ये मैंने ऑमलेट भी मंगा लिया, ये भी देखकर बढ़िया लग रहा है। ऑप्शन कम लगा मुझे और भी बाकी सब ब्रेकफास्ट से, लेकिन इडली डोसा ये सब भी आप लाइव काउंटर से ऑर्डर कर सकते हो। ब्रेकफास्ट तो इनका कमाल का है, लेकिन पता नहीं क्यों ताज को मुझे चाय कभी पसंद ही नहीं आता है, इसलिए देख लो मैंने फिल्टर कॉफी मंगाया, कुछ ऐसे आया है ये। और साथ ही यहाँ पे देख लो आप ये सब चीज भी ऑर्डर कर सकते हो इंडियन सिलेक्शन से, और ये सारा इनका इंटरनेशनल सिलेक्शन है। हाँ जी तो अभी मैं आ गया हूँ इनका, क्या बोल सकते हो इसको, ये लॉबी भी नहीं है, ये जो है ना ये स्टेयर वाला पार्ट है, इसको आपने किसी न किसी वीडियोस वगैरह में देखा ही होगा। ये पीछे देख लो ये सीढ़ी, और ऊपर में देख लो जमशेद जी टाटा का स्टैचू। ब्रेकफास्ट भाई यहाँ तक ब्रेकफास्ट हो गया, लंच आज होगा ही नहीं। ऐसे ही करता हूँ मैं जब भी किसी फाइव स्टार होटल में जाता हूँ ना, थोड़ा लेट से जाता हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, एकदम लास्ट से में जाके दबा के खा लो, लंच का पैसा बचा लो बस। साथ में ये इनका रेस्टोरेंट है जहाँ अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया, सी लाउंज, और ये इनका द बॉल रूम है। पता नहीं यहाँ जाना अलाउ है कि नहीं है, लेकिन फोटो काफी कमाल का आएगा यहाँ पे। और इस वाले फ्लोर में देखो ये सब कुछ है, बॉल रूम से तो घूम कर आ गया मैं। और ये देख लो सारा हिस्ट्री यहाँ पे लाइक बताया गया है ताज का, पहले देख लो कैसा हुआ करता था। लोकल ट्रेन है ना ये तो शायद वीटी स्टेशन है, जो विक्टोरिया स्टेशन जिसको बोलते हैं। बी सेटिस्फाइड विद द सेकंड बेस्ट ताजमहल पैलेस मुंबई, 115 साल पुराना ये होटल है। हाँ जी तो अभी मैं आ गया हूँ इनके द क्रिस्टल रूम में, दिखाते हैं कैसा इनका क्रिस्टल रूम, कितना बड़ा रूम है देख लो। ये मुझे बॉल रूम जैसा लग रहा है, लाइक इवेंट वगैरह के लिए देते होंगे। हाँ जी तो ब्रेकफास्ट वगैरह कर आने के बाद वापस से मैं हो गया हूँ रेडी। अभी वैसे चेकआउट का टाइम हो गया है, वैसे मेरा प्लान था कि पूरा अच्छे तरीके से घूम कर दिखाऊंगा, लेकिन मैक्सिमम सब जगह मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है। अगर आपको कोई स्टाफ अपने साथ ले भी जा रहे हैं कोई जगह दिखाने के लिए, तो रिकॉर्डिंग के लिए मना कर दे रहे हैं, इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। आप अपने लिए कभी बुक करोगे तो पहले ही बुक कर लेना, क्योंकि मैं एक बार बोलूंगा अगर आप आ सकते हो, अगर आपको ऐसा कोई बजट का प्रॉब्लम नहीं है, एक बार ये होटल में स्टे करके देखो। देखो और भी बहुत सारा फैंसी फैंसी होटल है, लेकिन ये जो ताजमहल पैलेस होटल है ना, ये एक तरह का लाइक क्या बताऊं मैं, इसमें स्टे करना लाइक बहुत लोगों का एक ड्रीम होता है, इसमें एक बार जरूर आप स्टे करना। इनका एक बेसिक रूम होता है, बट मैंने ये लिया है लग्जरी सी व्यू रूम, जो कि ये वाला है देख लो।
वैसे मैं बता दू, एक नाइट के लिए मैंने पे किया है 40,000 रुपीज। हाँ जी, 40,000 रुपए लगा है मुझे एक रात के लिए, जिसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड था। महंगा तो बहुत ज्यादा है, बट ये मेरे लिए वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आप बोल सकते हो ये था। तो अभी अपना सारा सामान वगैरह रख के नीचे जाना है मुझे, मेरा एडिटिंग बचा हुआ है वो भी करना है। इसके बाद मैं एक और कमाल के जगह के लिए निकल रहा हूँ, मतलब समंदर के थ्रू कहीं दूर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, वो आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में पता चल जाएगा। फिलहाल अभी नीचे जाते हैं, बिल वगैरह सारा लेते हैं अपना। वैसे देख लो एक और बार इस रूम को, पर ये व्यू को तो मैं बहुत मिस करूंगा। चलो जी, अब टाइम हो गया है रूम को चेकआउट करने का। वैसे यहाँ पे फ्रूट्स भी रखा हुआ है तो ये ले लेता हूँ, इसके अलावा कुछ खाया नहीं जाएगा तो ये ले लेता हूँ मैं। हाँ जी, तो अभी मैं आ गया हूँ स्टारबक्स एडिटिंग करने के लिए। और ये जो स्टारबक्स है ना, एकदम ताज होटल में ही है। मैंने यहाँ पे जावा चिप विद फ्रैपेचिनो क्या बोलते हैं वो लिया है, साथ में बनाना केक यहाँ का। ये मैं लेना नहीं चाहता था, ये लेने का मेन रीजन था मुझे थोड़ा बहुत एडिटिंग का टाइम मिल जाए। हाँ जी, तो अभी मैं बैठा हूँ द ताज महल पैलेस के लॉबी में, ये इनका लॉबी है। चेकआउट वगैरह हो गया है, बिल भी मुझे मिल गया है। वैसे जो मेरा टोटल हुआ है वो 39,700 है भाई, 40,000 ही समझो। और फिलहाल मैंने अभी यहाँ से कैब भी बुक कर दिया है, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। तो आप समझ लो नेक्स्ट ब्लॉग क्या आने वाला है। होप कि आप लोग को मेरा ये ताज होटल का वीडियो अच्छा लगा हो। और ये जो है ना, ये इनका मेन लॉबी है। यहाँ पे देख लो रिसेप्शन काउंटर है, मस्त क्रिसमस का पूरा एकदम डेकोरेशन वगैरह किया हुआ है। अभी क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है। कमाल का एक्सपीरियंस था मेरा यहाँ पे। एक बार प्लान है मेरा मम्मी के साथ भी यहाँ आने का। बाकी चलो, होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर यहाँ तक ये वीडियो देख लिया हो ना, वीडियो को जरूर लाइक करना। और हाँ, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि वीडियो आता है एक दो दिन लेट, बट वहाँ पे लाइव अपडेट सब मिलता रहता है। तो मेक श्योर कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लो। तो नेक्स्ट ब्लॉग काफी कमाल का शूट करने जा रहा हूँ मैं। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए।